दोस्तों, कुंडल न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। कार्यालय से दरवाजा जा रहा उसका मंदिर में। हम तो सब लोग धार्मिक थे, हमारे गांव गांव में शिवालय बनाए हुए हैं, पूजा स्थल है सब, लेकिन उन्हें उनको भी बदनाम कर दिया। कोई नाम ले दो कह ले, ये तो उसके खिलाफ है जी, और बेईमान नहीं सबसे ज्यादा कर रहे। देखो यहाँ का प्रशासन ध्यान से सुन ले भाई, यहाँ का जिले का पूरा ये होगा कैंसिल। यहाँ यह जनता रहेगी सड़कों पे, ठीक है जी, और यहाँ के बाद में बुलंदशहर भी होगा, सब जगह होगा। और तो ज्यादा बात पता नहीं, ये बेईमानना चलने का नहीं, मतलब एक तरफा बेईमानी चलेगी नहीं। आप रिपोर्ट करवा के जेल भेजो, इन पर लाठीचार्ज करवाओ। नहीं तो हाईवे तो चारों तरफ है, ये हाईवे नहीं चलेंगे बस, या जनता इसी पे है। ये कल आज पर्चे हुए हैं, ये किसान लोकसभा उसमें कहते ही नहीं, आप जिसको जहां करना है वो करते रहो आप, लेकिन जिला पंचायत तक जनता का चुनाव है, इसमें छेड़खानी नहीं करोगे तो हम कोई नॉन पॉलिटिकल नहीं है। हमारी हर रोज किसान संगठन का जो काम होता है वो राके स्टिकर जी वो करना चाहिए, चुनाव उनाव में इन्हें नहीं आना चाहिए। हम भी किसान हैं, हमारे पर्चे ठीक रहे तो इन्हें इस चीज का किस चीज का विरोध हो रहा। हमारे गांव से चार पर्चे थे, चार में एक कैंसिल हो गया, तीन ठीक हो गए, जो गलत था वो कैंसिल तो हो गई। इसमें राकेश टिकैत जी को क्या राजनीति करने की जरूरत पड़ रही है? कहना चाहूँ बस कि अपना भैया जो भी आए, जो किसानों का मामला है, इसमें राकेश टिकैत जी का कोई फायदे में रोल होना नहीं चाहिए, और अगर रोल वे इसमें आ रहे हैं तो वे तो फिर कुछ किसानों के साथ ही है बस, तो इसका मतलब सबके साथ नहीं है। और ये इसे मुद्दा दूसरी तरह का बना रहे हैं, और जब दूसरी तरह का मुद्दा बनाऊंगे तो इसमें बवाल तो पैदा हो भाई। हम राकेश टिकैत के खिलाफ जाएंगे, हम भी तो अपना संगठन बना सके। किसान जी जो चार किसानों ने लेकर बैठे हैं वही किसान थोड़ी है। चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है, अब किसी के टिकट कैंसिल हो जाए हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। अब छोटी छोटी राजनीति में भी बड़े बड़े नेता राजनीति आ करेंगे यहाँ किसानों के चक्कर में, तो इनका क्या लाभ है? बाबा आओगे तो बाबा के सामने हम भी जाऊंगा, फिर बाबा के सामने बैठेंगे जाके, ठीक है, तो बाबा के सामने जाकर बैठेंगे, पूछेंगे ये किसान ना आ गया, ये पाकिस्तान से आया आदमी, ये भी हिंदुस्तान के, इनका अधिकार ना आ गया, दीपक के साथ है। मैं आजाद मीर गोम किस डेलीगेट चुना गया हूँ, फार्म वकील से भरवाए, फार्म सही है तो हमारे सही निकले। ये किसान यूनियन किस लिए विरोध कर रही है? क्या हम किसान नहीं है? अगर हम छोटे हैं किसान है, यूनियन में बाबा टिकैत के आके रहते आए हैं जब से यूनियन बनी हमारे गांव में, और अगर टिकैत जी ने अब यह यूनियन के खिलाफ बोल ले और वो किया तो हम इनके सामने खड़े हो जाएंगे, और इनके सामने हम अपना प्रदर्शन हम भी करेंगे। किसान संगठन का जो काम होता है वो राकेश टिकैत जी को करना चाहिए, चुनाव उनाव में इन्हें नहीं आना चाहिए। हम भी किसान हैं, हमारे पर्चे ठीक रहे तो इन्हें इस चीज का किस चीज का विरोध हो रहा। हमारे गांव से चार पर्चे थे, चार में एक कैंसिल हो गया, तीन ठीक हो गए, जो गलत था वो कैंसिल तो हो गई। इसमें राकेश टिकैत जी को क्या राजनीति करने की जरूरत पड़ रही है? इसमें किसी भी तरह का मुद्दा जो राजनीति में नहीं लाना चाहिए। किसानों की जो समस्या है इसमें टिकैत साहब को नहीं आना चाहिए। भाई पर्चे भरे एक नंबर में भरे, कोई ऐसे तो है ना भाई सब में गड़बड़ी हो रही है या हो रहा, जो गलत भरेगा उसका तो गलत होगा, चाहे उसमें हम है हमारे भी गलत है, ऐसा नहीं है कि हमारे गलत नहीं है, हमारे भी गलत है, लेकिन हम जो दीपक राणा जी के साथ है इनका साथ देंगे, जैसे भी होगी वैसा देखा जाए। भैया हम भी एक किसान है, हम भी एक मेंबर है सोसाइटी के, हमारे साथी भी मेंबर के साथ सोसाइटी के साथी हैं। ये बाबा टिका जो हमारे सामने आएगा, बाबा हमारे खिलाफ बोल लगे, हम बाबा के सामने जाओगे, बाबा क्या दिल तक भी लौटे जाएगा दिल्ली। अब बाबा यही छोटे छोटे चुनाव में किसानों के खिलाफ चल रहा है, कहीं दिंगे जाएगा, कहीं दिंगे जाएगा, जो बाबा जाएगा तो हम भी बैठेंगे, उनके दिंगे जाएगा, बाबा के सामने जाकर बैठेंगे, हम भी विरोध करेंगे बाबा का।
बाबा टिका क्या रो रहे थे, किसान है बदमा कर रहे जो भी कर रहे। अब किसी का पर्चा कैंसिल करवा दिया, सरकार ने करवा दिया, दीपक राणा ने करवा दिया पर्चा करा गवर्नमेंट, जैसे भी फर्जी हुआ कैसा हुआ तो भरने वाला जाने। हमारे एक कैंडिडेट लड़ रहा था हमारे गांव में, बेचारा पंडित जी वैसे इसके चुनाव में विरोध हो रहा है, इन्हें कर दिवा दी पर्चा कर्ज कैंसिल करवाने वाला किसान आदमी। और पापा हमारे सामने आप, हम पापा के सामने जाकर बैठेंगे, आज बैठेंगे थाने में जाकर हम भी। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने भी फार्म भरा डेली के टीका, बाकी चीजें कैंसिल हुए कुछ कमी रही होगी। अब जो इसमें आरोप लगा रहे भाई कैंसिल करवा दिए, ऐसा तो कुछ है नहीं। और जो इसमें जो किसान यूनियन भी राजनीति कर रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो अगर ये हमारे विपक्ष में रहेंगे तो हम भी इनके विपक्ष में वहीं बैठ जाएंगे धरना। छोटा छोटा अगर किसान की समस्या नहीं है, ये तो राजनीतिक समस्या होगी भाई। वो राजनीतिक सब कुछ क्यों बोल रहे हैं पॉइंट पे? सारे जो किसान उनके साथ हैं, वही किसान है क्या? और मैं राकेश जी से कहना चाहता हूं, ये कदम बहुत घातक कदम हो जाएगा। इसमें ठीक ठीक काम करें, वही ईमानदारी से काम करें। ये धरने बढ़ने की बात खत्म करें। यूनियन और भी है, हमने भी साथ दिया तुम्हारा यूनियन में। क्या तुम ये मानते हो कि ये यूनियन है? तुम्हारा अध्यक्ष थे 10-20 आदमी, तुमने हरी टोपी लाल टोपी ये उल्टे सीधे काम करते, ये यूनियन में इसे सही कर लो, नहीं तो कहां बवाल हो जाएगा यूनियन में, विरोध में खड़ी हो जाएगी। किसानों की जो समस्या है, इसमें टिकैत साहब को नहीं आना चाहिए। मैं पर्चे भरे एक नंबर में भरे, कोई ऐसे पहना भाई सब में गड़बड़ी हो रही है या हो रहा, जो गलत भरेगा उसका तो गलत होगा, चाहे उसमें हम है हमारे भी गलत है। ऐसा नहीं है कि हमारे गलत नहीं है, हमारे भी गलत है, लेकिन हम जो दीपक राणा जी के साथ हैं इनका साथ देंगे, जैसा भी होगा वैसा देखा जाएगा।